हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक है। सुबह का आगाज़ हमारा हो गया है, ईद ख़त्म हो गई है, तो आज है मंडे। सब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरी मियाँ जी उठी हैं, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आटा वगैरह ले आई, इधर आटा गूंथ के रखा मैंने, तो मैंने कहा चले नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, उनको ऑफिस भेजती हूँ। आज बच्चों ने भी स्कूल से छुट्टी की है, गए नहीं, कहते हम कल जाएंगे, आज हम आराम करने लगे हैं। तो बस इधर मेरा पाँव नहीं ठीक है, तो अगर पट्टी उतारी है मैंने अभी, मैं कह जरा मैं ना पाँव अच्छी तरह गर्म पानी में धोती हूँ, धो के उसके बाद दोबारा पट्टी करती हूँ। और जी कैसे हैं सब? जिनकी ईद गुजर गई, आज की रूटीन वो कैसे शेयर करेंगे आपसे जिस तरह हम कर रहे हैं? तो बस सारा दिन आज यही होगा, देखते हैं कोई काम करने का है, कोई हांडी शांडी पकाते हैं। तो बड़ा इंजॉय कर लिया ईद को, बस अब वापस अपने घर के कामों के लिए आए। तो चले जी, हमारे साथ ही जुड़े रहे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं बाद में। बना लिया नाश्ता, ये मेरा और अली का पेड़ा है। ये अभी चने मंगाते हैं। आटा मैंने गूंद के डब्बे में डाल दिया, आज मेरे से आटा ना ज़्यादा गूंदा गया। तो चलो 3-4 दिन स्कूल से गुजर जाएंगे, गूंदना नहीं पड़ेगा। और इधर अम्मी का नाश्ता तैयार हो गया, इधर नदीम के टिफ़िन हो गए तैयार, तो इसमें रखते हैं। तो इसका ये डब्बा चेंज करना है, डब्बा ला के देना मैंने इसको। तो इधर देख के आते हैं अम्मी को नाश्ता। पकड़ लो, चलते हैं नाश्ता देने। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने घर पे बनाया है पराठे, क्योंकि इतने दिनों से नान वगैरह ही खा रहे थे। हेलो, ध्यान ना, उठ जाओ। हैं इधर ये बाप बेटे सो रहे हैं, ये अली सो रहा है। अली अली सो रहा है, पंखा क्यों बंद कर दिया? लड़का सो रहा है, ये पागल है। चले जी, इधर आज मौसम देखिए, अभी धूप निकल आई है थोड़ी सी, तो अभी फुहार पड़ रही थी एकदम। अम्मी बोली है कि लम्बिया बस कर दे, बंदा पूछे इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ी सी पढ़ने दो बारिश को। और मेरे रब्बा, मेरी टांग में बड़ी दर्द हो रही है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती मेरे से। तो इधर मैं धोती हूँ बर्तन धो के फिर चने मंगा के फिर अपना नाश्ता बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं साहब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज से व्लॉग हमारे घर का होगा, जो अभी हम उठे हैं, उठ के हमने बस करने लगे हैं तैयारी। तैयारी किसकी? नाश्ते की तैयारी करने लगे हैं। इधर बेड से ही हो रहा है, अलीजा बेड से ही कर रही है, चादर हम दोनों ने ठीक कर लिया, और अब ये सराने वगैरह सेट कर रही है। अभी मैं जा रही हूँ बाहर नाश्ते के लिए। नाश्ते मैंने पेड़े बना के रखे हैं, और अलीजा भी रात को भी नाश्ता नहीं किया था। इधर इसका नान पड़ा हुआ, रोगनी नान मंगवाए थे हमने, साग पाए का सालन था, तो पीछे बैठी बेचारी। तो यहाँ पे रोशनी अच्छी आती है कैमरे में, हैं कह रही पीछे से ठुड्डा मार, कितनी बुरी बात है लीजा। तो बनाने लगी हूँ मिठू, पेड़े अभी बनाए हैं, उनको टलने तो दो जरा। हाँ। मैं तो नाम नाम कर दूँ ना, तो सब्र कर लो ना, साथ साथ ही इकट्ठे ही करते हैं, चाय भी रखते हैं, जब चीनी पत्ती लेके आओ मैं चाय रखूँ, चूल्हा जलाते हैं। चलो जी गाइस, अभी हम नाश्ता बनाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं जी। इधर मैंने ना कीमा रख दिया पकने के लिए, इसमें मैंने 1.5 चम्मच कुटी मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच काली मिर्च डाली है, पीसी और ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है, और इसको मैंने रख दिया। इसमें टमाटर प्याज अभी नहीं डालूँगी, जब ये थोड़ा सा गल जाएगा। ये ना अम्मी बहुत बारीक कीमा ले आई है, मैंने मोटी मशीन का मंगाया था। चलो चूल्हा रख दिया जलने के लिए, अभी पानी चढ़ा के अली को नहलाती हूँ। इधर भाभी नाश्ता बना रही है। हमने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, पहले कर दिया था, अभी लीजा को पहले दे दियो, नाम गरम करके इसने रात को मंगा लिया था, खाया नहीं था, सो गई।
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਲ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਹੈ ਬਸ ਨਾਮ ਕਾ ਨਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਸ ਮੋਟਾ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਤਿਲ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾ ਦਈਏ ਇਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਏ ਕੇ ਸਾਲਨ ਸੇ ਨਿਹਾਰੀ ਹੋ ਪਾਏ ਹੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਾ ਲੱਗਤਾ लेटी हुई आज इन्होंने स्कूल से कर ली है छुट्टी दो कल तो जाएगी स्कूल चले जी हम आगे की रूटीन आपसे शेयर करेंगे हमारे साथ ही जुड़े रहिए यहाँ पे लीजा ने स्टार्ट कर दिया है काम घरदारी शुरू कर दी है आटा गूंदने लगी है हाँ बहुत है तो यहाँ पे आसमान रखे हैं आलू बॉयल होने के लिए और यहाँ मैंने भी कीमा मंगवाया था वो भी बना रही हूँ बस इसके लिए प्याज काटूँगी और ना साथ अम्मी से टमाटर मंगवाती हूँ तो साथ में अदरक लहसुन दिखाओ ज़रा आटा थोड़ा सा वो डाल लो बड़ा है क्या सारा ही डाल लो तो वो फिर खुशका भी निकाल लेना इसमें से हाँ सारा ही डाल लो ना एक करिश्मा हुआ है लीजा गूंद रही है आटा मुखी ला ला जोर जोर दी ताकत वहा इधर भाभी का कीमा बन रहा है भाभी का नहीं गाय का कीमा हाँ इसको मैंने मसाले डाल के गला लिया थोड़ा सा जब पानी रह गया टमाटर डालने और प्याज और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल रही हूँ इसमें से चार टक लगा के ना अब इसको मैं भूनूंगी भून के फिर रेडी हो जाएगा फिर ये रेडी हो जाएगा क्योंकि गल गया हुआ इधर आटा गूंदा जा रहा इधर मेरा भी सालन बन गया था इधर मैंने ना आलू रखे हैं आलू टिक्कियाँ बनाने के लिए शाम के लिए अम्मी कीमा नहीं खाती ना अम्मी के लिए आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ इधर मैंने धनिया काटा धनिया हरी मिर्च और ये है अजवाइन ये उसमें डालूँगी मैं टिक्कियों में ये देखेंगे मैंने ना आज कतलियों वाले आलू पकाने हैं ये वाले जो गोल गोल बनाते हैं ये कैसे हम तैयार करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ हम तैयार करते हैं पहले हमने डाल लिया घी आँच लगा दी चूल्हा जला दिया इसके बाद घी गर्म होगा जैसे जैसे जाओ अंदर अंदर वो पड़ा इसमें डालेंगे कुटी मिर्चें नहीं अभी नहीं आए पापा ये देखें ये वाली मिर्चें डालनी है घी में इसको थोड़ा सा तड़फाना है ठीक है ये जब गर्म हो जाएंगी ना फिर इसमें आलू डाल देने हैं साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए जी मिर्चें होने लगी ना घी में लाल ये ऐसे ही पकते हैं इसमें ना साथ ही ये देखिए मैंने आलूओं का पानी निकाल लिया और मैंने कीमा बनाया ना अलीजा खाती नहीं है उसके लिए ये बना रही हूँ उसको ये बहुत पसंद है इसको मैं हिलाती जुलाती हूँ ठीक है चलो जी ये देखें मैंने ना आलू थोड़े से फ्राई किए करके इसके साथ अब हम डालेंगे ये वाले मसाले ये देखें टमाटर है प्याज है इसको ना हमने डाल देना धनिया नहीं है वो धनिया के पत्ते से दो धनिया भी डालना है वो मैंने मिर्चें काट के रखी हैं लैदा ये बाद में डालते हैं ना थोड़ा सा ज़रा आलूओं को फ्राई कर लेते हैं मिर्चियों में अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं फिर दोबारा मसाले डालते हैं ज़ीरा नहीं है ज़ीरा ख़त्म हो गया हुआ मेरा अब इसमें बस जाएगा थोड़ा सा सूखा धनिया ये मैं पहली बार आपसे रेसिपी शेयर कर ली हूँ जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तो काफ़ी देर ही हो गया हमने बनाए हैं नहीं है ना ये ऐसे ही पकते हैं हमारे घर ये हमारे घर सुबह सुबह नाश्ते में सालन आ रहा हो फिर हम ये जल्दी जल्दी पका लेते हैं ये बड़ी स्पीड से पकते हैं 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं ये रेडी हो गए ना अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि ये मसाला पानी नहीं मिलेगा क्या टमाटर वगैरह चलो ये देखें इसमें तकरीबन एक गिलास पानी डालूँगी मैं डाल के ना रख देंगे इसको ऐसे हिला के ना सारा
आगे करके दिखाओ कितना पानी है। ये देखिए इतना पानी है बस, इसमें थोड़ा सा ही। अब इसको छोड़ देंगे, इसको हम ढकना देते हैं। तो फिर ना जब ये रेडी होंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अभी आ गए हैं वसीम साहब दफ्तर से, आज जल्दी आ गए थे, 1:30 बजे आए हैं। अभी देखें 2:10 हुए हैं। अभी हमने खाना तैयार कर लिया मैंने, तो अभी इनको आते ही भूख लगी थी। इधर बैठे दस्तरखान लगा दिया, मैंने कहा आप खा लो। कह रहे मुझे 2 मिनट तबीयत नहीं ठीक, मैंने सोना है दवाई खा के। तो इधर अलीज़ा भी है, ये देखें ये जो अलीज़ा ने ड्रेस पहना ना, ये कल जो राबिया फैसल की वीडियो आई थी ना, उसमें उसको किसी ने ईद गिफ्ट का दिया, ईद गिफ्ट में उसको आया था। लेकिन ये अलीज़ा का था पिछली छोटी ईद पे, इसको मैंने लेके दिया था ना अलीज़ा। हाँ तो अब इसने घर लगाया, तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, ये भी खाएँगे। ये देखें इस तरह के ये वाले आलू पकते हैं, ये सूखे सूखे से। और ये हमारा कीमा पका खड़े मसाले का, कतलियाँ, इसको कतलियाँ कहते हैं ये वाले आलूओं को। ये ना पराठे के साथ भी अच्छी लगती हैं। मैं देखे लीज़ा भी खा रही है, लीज़ा कीमा नहीं खाती ना। ये खा के देखो अच्छा बना है, सूखा सूखा सा। इसको ना अपनी मामी के हाथ का कीमा अच्छा लगता है, वो खाती है ये। तो चलो जी खाना खाते हैं, वसीम साहब से पूछते हैं कैसा बना सालन। अच्छा बना है, चलो खाओ फिर। तबीयत को क्या हुआ आपकी? अच्छा, दवाई खा के ना चाय बना के देती हूँ आपको स्ट्रॉन्ग सी, पी के ना साथ पैनाडोल खाओ दो तो सो जा। अच्छा, थकावट की वजह से ना। हाँ गाइस यहाँ पे सोना मुंडा आ गया है। इधर है, यहाँ पे सोना मुंडा आ गया है। ये बहुत ही सोना है, कुछ ज्यादा ही सोना है। इधर तो मुंह कर सोने मुंडे। ये देखें जी अहमद आ गया है, ईद पे ये बिजी था इधर अपने दोस्तों में, इसीलिए ब्लॉग में नहीं आया। हेलो कर दो अहमद, गूंगा है तू। सलाम लो, हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आवाज़ ही नहीं इसकी निकल रही। और यहाँ पर लीज़ा को देखें, लीज़ा रेडी हो गई है। तो ये लीज़ा का फुल छोटी ईद का ड्रेस है, फुल छोटी। हाँ ये दुपट्टा भी यही था ना इसका। लीज़ा कह रही है आज ऊपर चलते हैं, मैंने कहा चलो फिर चलते हैं ऊपर। अच्छा हाँ आगे ना जाना उसको खाने दो चावल। लीज़ा आई है ऊपर अपनी तस्वीरें खींचने, आपको पौधे को सारे माशाल्लाह हरे भरे हो गए। नहीं दोपहर को नहीं देते। ये देखें आज फिर हमारे पौधे में फूल निकले हुए हैं। ये वाला ताज़ा निकला, बिस्मिल्लाह। ये देखें ये ताज़ा है और ये कल का है। ये देखें ना ये धूप से हो जाते हैं खराब, गुलाब के हैं, खुशबू भी आ रही है। और कलियाँ भी माशाल्लाह मोटी मोटी हो गई हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना एक लगा हुआ था नींबू, ये किसी बच्चे ने तोड़ा है हमारे पीछे ना, किसी ने देखा नहीं बस, क्योंकि हमने लगाए हैं तो हम ही देखते हैं और कोई नहीं देखता। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा नींबू लगा था, किसी ने तोड़ दिए। हाँ अच्छा मैं देती हूँ, करती हूँ। और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। और यहाँ ओहो कलियाँ किधर गई, खिली थी, खुली हुई थी मतलब। अच्छा हाँ ये देखिए कह रही दादू ने ले लिया, यहाँ पे लगी थी एक और एक यहाँ थी, ऐसे दो तीन, वो एक वो उधर थी। हाँ तीन ही थी, उठाओ उठाओ। और ये एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए हमारे ना इधर बगीचे छोटे से में ना, ये ना वो निकली है बेल उसकी अंगूर की, इस पे ना हमने अंगूर खा के ना इसके बीज दबा दिए थे। तो वो अब देखें कि ये थे पिछली गर्मियों में, तो अब वो हरे भरे हुए हैं, वो लास्ट था ना। और ये हमारी गुले दोपहरी देखें कितनी ग्रीन हो गई है, अब थोड़े दिनों में इसमें फूल भी आने लग जाएंगे रंग बिरंगे। और ये गमला खाली था, इसमें भी इसके पापा ने ना वो लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो गुले दोपहरी है ना ये बहुत ज़्यादा चलती है। हाँ ये देखिए ये भी हमारी गुले दोपहरी काफ़ी, इसमें फूल बड़े प्यारे लगते हैं ना, इसलिए हमें बहुत पसंद आई है।
बाहर जा रही हूँ, जल्दी से देखें ज़रा बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लाहौर में मौसम कितना ख़राब है। तो शुक्र हम टाइम पे निकल आए वहाँ से, गुजरांवाला से। ये देखें मैं कह रही हूँ अंदर बैठी हैं मैं और लीजा ना, कहते लगता है बाहर शोर आ रहा है। ये नहीं पता बाहर बारिश हो रही है इतनी तेज़। उन्होंने बताया था नेट पे ना 80-90% बारिश है, तो देखें आज बारिश भी होने लग गई है बड़ी तेज़। भाभी आई है भीगती हुई, बाहर से बारिश हो रही है तेज़। लीजा पीछे ही रहो, आपके वाइट कपड़े गंदे हो जाने। बाहर देखते हैं, बिस्मिल्लाह। आप लोग बताइएगा कौन कौन से इलाके में बारिश हो रही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अच्छा, हेलो। चले जी, क्या मसला है, क्या है? बिजली भी, बादल भी गरज रहे हैं, आसमान भी बोल रहा है। बोलो बोलो क्या मसला है। चलते हैं आसमां के कमरे में। अम्मी भी बैठी हुई हैं, ड्रामा देख रही हैं। इधर आसमा बैठी हुई है अंदर। ये देख जरा, ये मुझे आवाज़ें दे रही थी। वाह तेज़ बारिश हो गई है, मौसम ठंडा हो गया। ये फिल्म देख रहे हैं आज इधर बैठी, पता नहीं कौन सी फिल्म देख लगी है, अनिल कपूर की फिल्म केड़ी है पता नहीं, देखी जा रहे हैं। वेलकम टू एंडी दास ना। इधर नदीम भाई सर पकड़ के बैठे हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, सर तो नहीं पकड़ के बैठे, हाँ सर पकड़ के कहना था। मैं कह रही हूँ मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ, तो सच्ची में मोबाइल ही पकड़ा हुआ। मैंने कहना था सर पकड़ के बैठे हुए, मैंने कह दिया मोबाइल पकड़ के बैठे हुए। चलो जी चलते हैं अंदर, इन लोगों को तो है ही नहीं। या आसमा आ गई है रोटियां बेलने के लिए, रोटियां पकाने लगी है। अच्छा फिर दवाई दे दे, कढ़ाई है वो बड़ी भैड़ी पई सी, फिर दवाई लेके आई है। अच्छा चलो, मैं बनानी है ना, मैं पहले तू बना लेना, फिर मैं बना, वारी वारी सिर बंदा बना ले। बहुत ही हल्की सी सेकी नहीं जा रही है। हाँ चलो सही है। लीजा क्या कर रही है, बोतलें भर रही है कूलर से। चलो भर लो। खाना क्या पकाया आपने? मैंने कीमा और आलू की पीठी बनाई, वो सुबह रोटियां बनाऊंगी। चलो सही है, मटर सब तो बढ़िया है। हाँ ये देखें जी, इन्होंने नहीं, लीजा कीमा नहीं खाती, इन्होंने कूलर भी निकाल लिया, इनको बहुत गर्मी लगती है। ये गर्म फैमिली है। चलिया फिर नहीं, हाँ चला फिर नहीं, भी अग्गे मगर गई सी, कहता आता हूँ फिर देख ला, भी पता चल जावे की खराबी की लग रहा है। अच्छा चलो, तो जाके उन्होंने लैके आना सी ना नाल, ओदे दुकान मुंडे नहीं हैगे सी ना, कल आए रात ही आए है। चलो सही। हाँ नदीम भाई लेटे हैं, मैं अली भी लेटा हुआ,
चले जी हम ब्लॉग का करते हैं एंड। हमारी दर्द में बड़ी हो रही है, दर्द स्टेप बोला नहीं जा रहा हमसे, तो कल नए टीम के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। चलें जी गाइस, यहाँ के कह रही हूँ, यहाँ पे इसके पापा ने मंगवा के दिए है हमें आइसक्रीम। मैंने तो अपना ये देखें पिस्ता फ्लेवर मंगवाया था 100 रुपये का कप। उन्होंने आपने कौन सा 100 रुपये वाला, तुमने कौन सा फ्लेवर लाई है? पिस्ता ही। आपने कौन सा? कैरमल क्रीम। तो ये देखें ज़रा, ये जो लड़की है ना, ये जो ग्रीन चम्मच इसने पकड़ा हुआ है, ये हमारे भूल गई है तो अपना ले आई है। तो हमें इन्होंने इसने अब ये वाले चम्मच दिए कि आप इससे खा लो, हम इससे खा रहे हैं। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं हम एंड, है ना लीज़ा? अलीज़ा करेगी आज का व्लॉग एंड, नहीं लीज़ा के पापा करेंगे एंड। सही तरह करो ना यार, अगलों को पता चले आज वसीम ने बंद किया। तबीयत बहुत खराब है क्योंकि सफर से आया हूं, थका हुआ बहुत भी है। अच्छा, सर बुखार हुआ मुझे। तो फिर आइसक्रीम खा रहे हो? ये भी एक राज है ना? सही है। चलें जी गाइस आज का व्लॉग करते हैं वसीम साहब एंड। तो वसीम साहब कह रहे हैं अब हम आपको कल मिलेंगे, है ना? आज के लिए अल्लाह हाफिज़।